नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है क्रिएटिव में। मैं अभिनव और आज इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं कई सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको हर एक एग्जाम में आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो ऐसे में बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर जो एग्जाम्स में ज़्यादातर पूछा जाता है वह कि नीति आयोग के चेयरमैन पीएम मोदी, वाइस चेयरमैन की बात करें तो राजीव कुमार, सीईओ की बात करें तो अमिताभ कांत, और यदि डायरेक्टर की बात की जाए तो यह नीलेश अरोड़ा जी हैं। तो ऐसे में देखिए एक साथ हमने कई सारे क्वेश्चंस को कवर कर दिया। आगे चलते हैं यहाँ पर, तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड ऑस्कर के अंतर्गत किसे दिया गया, तो 2017 की पहले बात कर ले तो यह मूनलाइट को, 18 में शेप ऑफ वाटर, बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड 18 में डेल टोरो को और बेस्ट एक्टर गैरी ओल्डमैन, जबकि बेस्ट एक्ट्रेस मैट डॉमन को दिया गया है। आगे चलते हैं यहाँ पर, तो सीईओ की बात करें तो ट्विटर के सीईओ डिक कोस्टोलो, डेल के सीईओ माइकल एस डेल, बीएसएनएल के सीईओ हैं अनुपम श्रीवास्तव, अडोबे के सीईओ हैं शांतनु नारायण और सैंडिस्क के सीईओ हैं संजय मेहलोत्रा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं आगे, तो यहाँ पर गवर्नर से रिलेटेड भी कई सारे सवाल पूछे जाते हैं जिनमें कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं। वो हैं असम के गवर्नर कौन है, तो यह है जगदीश मुखी, मणिपुर के नजमा हिप्तुल्ला, उत्तराखंड की बेबी रानी मौर्य, तेलंगाना की नरसिम्हम जी हैं, इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर की सत्यपाल मलिक हैं। इसके बाद बात करें आगे, तो ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, उनमें सिक्किम के ब्रांड एम्बेसडर एआर रहमान है ना, जीएसटी के अमिताभ बच्चन साहब, इसके बाद ऊबर की बात की जाए तो विराट कोहली हैं, इसके बाद ब्राज़ील के मतलब बात किया जाए यदि ब्रांड एम्बेसडर की तो वहाँ कौन है, अशोक दास है, और नोकिया ने हाल ही में अपना नया मतलब ब्रांड एम्बेसडर लॉन्च किया जो कौन है, आलिया भट्ट है ना। अब बात करते हैं आईफा 2018 के अंतर्गत, तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो है यह दिया गया तुम्हारी सुलू को, बेस्ट एक्टर वहाँ पर इरफान खान, बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो श्रीदेवी जी, इसके बाद बात करें बेस्ट डायरेक्टर की तो यह साकेत चौधरी हैं। इसके बाद बात करते हैं आगे, तो डायरेक्टर से रिलेटेड जो कॉमन क्वेश्चन है उनमें संजू, ठीक है, जो कि संजय लीला भंसाली ने वहाँ पर डायरेक्ट की थी, पद्मावत भी उन्हीं की है, न्यूटन यहाँ पर अमित मासूरकर की है, बाहुबली एसएस राजा मौली जी की है, जबकि नीरजा जो है वह राम माधवानी जी की है। इसके बाद चलते हैं आगे, तो सीएम से रिलेटेड जो कॉमन क्वेश्चन है इनमें कर्नाटक के सीएम तो एचडी कुमारस्वामी, हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर, गुजरात के सीएम तो विजय रूपानी, अरुणाचल प्रदेश पेमा खांडू, मध्य प्रदेश की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान, और तेलंगाना की बात करें तो के चंद्रशेखर राव। इसके बाद चलते हैं आगे, तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है टेंथ से रिलेटेड, यदि कोई सवाल आपसे पूछा था वो जनरली ग्रैंड स्लैम पे ही पूछा जाता है, तो मेन सिंगल के विनर्स के बारे में बात कर लेते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन में रोजर फेडरर, फ्रेंच ओपन में राफेल नडाल, विंबलडन की बात करें तो यहाँ नोवाक जोकोविच रहे, जबकि यूएस ओपन के भी विनर कौन रहे, नोवाक जोकोविच। ये सारी लिस्ट जो है मेन सिंगल्स की और 2018 की। ठीक है, अब इसी में वुमेन सिंगल्स की बात कर ले तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में जो है कैरोलिन वाजनाइकी जो है यह विनर रही थी, इसके अलावा फ्रेंच ओपन में सिमोन हेलप, विंबलडन में एंजेलिक कर्बर, जबकि यूएस ओपन के अंतर्गत नाओमी ओशाका। ठीक है, ये सारी वुमेन सिंगल्स की विनर रही थी 2018 में। आगे यहाँ पर बात करते हैं ऐसे यूनिट से रिलेटेड कॉमन क्वेश्चंस आते हैं, इनमें करंट कैसा यूनिट एम्पेयर, प्रेशर का पास्कल, फोर्स का न्यूटन है ना, इसके बाद एनर्जी का या फिर वर्क का, दोनों ही का क्या होता है, जूल होता है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें तो इसका वेबर होता है, पावर का वॉट, वोल्टेज का वोल्ट और रेसिस्टेंस का ओम होता है। इसके बाद आगे चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जिसमें एस अगेंस्ट ऑड्स जो है ये सानिया मिर्जा जी की है। ठीक है, इसके बाद वन इंडियन गर्ल्स चेतन भगत, वाई आई एम एन हिंदू यह शशि थरूर जी की है, प्लेइंग इट माई वे यह सचिन तेंदुलकर साहब की है, इसके बाद खुल्लम खुल्ला जो पुस्तक है यह ऋषि कपूर की है, और सुटेबल बॉय जो है यह विक्रम सेठ जी की है। इसके बाद बात करते हैं तो बेस्ट फिल्म यहाँ पर फिल्म फेयर अवार्ड की बात करें 2018 की, तो इसके अंतर्गत बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो यह दिया गया था हिंदी मीडियम को, बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो यह दिया गया था इरफान खान को, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया था विद्या बालन को, और बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड है ना ये दिया गया था अश्विनी अय्यर तिवारी जी को। अब बात करते हैं यहाँ पर फीफा वर्ल्ड कप 2018 की, तो इसके अंतर्गत जो विनर रहा वो फ्रांस, हराया किसे फाइनल में तो क्रोएशिया को। ठीक है, गोल्डन बॉल का अवार्ड जो है यह लुका मॉड्रिक को, गोल्डन ग्लोब कॉर्टियास को, जबकि गोल्डन बूट का अवार्ड जो था यह हैरी केन को दिया गया।
तो ऐसे में बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको हमारे वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दो। यदि आपका कोई सलाह या सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में उसे बता दो। तो ऐसे में बस आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए गुड बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।